अभी ये वेज है? हाँ ये वेज है ना, तो क्यों आ रहा मोहम्मद अली रोड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आपका मेरे इस प्यारे से और नए व्लॉग में। पहले तो बता दूं कि अभी बज रहे हैं 10। ऑल ऑफ अ सडन एक प्लान हुआ है मेरा, काशी और शिवम का, कि हम जाते हैं मोहम्मद अली रोड। जी हाँ, आपने सही सुना, जिसकी बुराई मतलब जिसको मैंने ओवररेटेड कह दिया था लास्ट वीडियो में, उसी जगह मैं जा रहा हूँ। काफी आयरनी होने वाली है, लोग मुझे काफी गाली देने वाले हैं, बट काशी और शिवम ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है मोहम्मद अली रोड का, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव देम दोज एक्सपीरियंस, तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। वरना मैं यूजली प्लान नहीं करता हूँ मोहम्मद अली रोड जाने का। और आप अगर नहीं जानते हो कि काशी और शिवम कौन है, तो लगता है आपने मेरा रियूनियन वाला व्लॉग नहीं देखा है, वो आपको यहाँ पर कहीं मिल जाएगा, वो जाके चेक करिए। काशी एंड शिवम इज माय क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड वो मेरे कॉलेज क्लासमेट्स भी थे। सैरी करने का प्लान है, तो सब अपने काम वगैरह में बिजी रहते हैं ना, तो ये मौका मिला है, तो वाई नॉट टू सेलिब्रेट दिस। तो मैं उनके साथ आज सैरी सेलिब्रेट करने वाला हूँ। तो अभी हम चलते हुए जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है घाटकोपर। काशी एंड शुभम इज इन मुलुन राइट नाउ, तो वो वहाँ से लोकल पकड़ कर मुझे घाटकोपर में मिलेंगे, साथ में मिलकर फिर वहाँ से हम लोग जाने हैं मस्जिद बंदर। थोड़ा मस्जिद बंदर से नज़दीक भी है मोहम्मद अली रोड, तो वहाँ जाएंगे। घाटकोपर अभी उन लोग को ढूंढते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि सेकंड नंबर प्लेटफॉर्म पे है, तो फटाफट जाते हैं सेकंड नंबर प्लेटफॉर्म पे। एक्चुअली प्लान ये था कि वो लोग जो ट्रेन में आ रहे हैं वही ट्रेन में मैं चढ़ूंगा, बट मेरी मेट्रो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि रात का वक्त है तो स्लो चल रही है, तो फ्रिक्वेंट बेसिस पे नहीं है, तो फटाफट अभी सेकेंड प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं। तो ये है अपना कॉलेज और ये है घाटकोपर रेलवे स्टेशन। क्या हो गया, बंद हो गए क्या? बंद है यार ये तो, अपने पास कोई नहीं जुगाड़ है अपने पास। हाँ टिकट निकाल रहे एक CST तो ना। तो फाइनली आई गॉट माय टिकट, रात के 11 बज रहे थे, एक लास्ट काउंटर खुला हुआ था, पता नहीं 11 बजे इतना बंद क्यों कर रहे हैं। और अभी जाते हैं सेकंड नंबर प्लेटफॉर्म पे, मैंने दूर से काशी और शिवम को देख लिया था। काटेकार कैसा है शिवम? एकदम बढ़िया भाई, इधर आइए। कहाँ जा रहे? तुम लोग को पता है मैं इतना बड़ा आयरनी कर रहा हूँ ना, लास्ट वीडियो में मैंने बोला हूँ कि मोहम्मद अली रोड काफी ओवररेटेड है, और मैं आज जा रहा हूँ तुम लोग के साथ। लोग इम्पोर्टेंट है, हाँ यही मैंने बोला कि इन लोग दोनों को थोड़ा मोहम्मद अली का एक्सपीरियंस कराते हैं, थोड़ा एकदम प्रॉपर वेज ब्रो। अभी ये वेज है? हाँ ये वेज है ना, तो क्यों आ रहा मोहम्मद अली रोड? सिर्फ रूह अफ़ज़ा पीने के लिए आ रहा मोहम्मद अली रोड। अरे भाई साहब, मेरे को याद ही नहीं था ये वेज है भाई, तेरे को मैं क्या खिलाऊंगा? नहीं है, चल है बहुत कुछ है, मालपुआ है, थोड़ा शरबत वगैरह भी है, थोड़ा लाइट ले लेगा भाई, भी इतना पेट खराब था ना सुनने में आ रहा है। आई अभी अपनी है अपनी। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, क्या मैं ना 2 साल के बाद लोकल ट्रेन में बैठा हूँ, 2 साल के बाद भाई गाड़ी में बैठने वाला आदमी ना ट्रेन में नहीं जाएगा। तो राइट नाउ वी आर एट मस्जिद बंदर, हम लोग ट्रेन से मस्जिद बंदर उतर गए थे, मस्जिद बंदर से मोहम्मद अली रोड काफी नजदीक है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ब्लॉग करने का जरा मन नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनेस्ट ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूंगा। तो अभी फटाफट हम लोग जाते हैं मोहम्मद अली रोड, वहीं पे जो है वो सारी चीजें दिखाएंगे। अच्छा क्या थॉट आया फर्स्ट मोहम्मद अली में? कितने बजे? 12 बजे, रात के 12 बजे की सुबह के बजे, वही नहीं समझ रहा। तेरा क्या फर्स्ट थॉट था यहाँ पर अंदर आते ही जैसे इतनी गर्दी? मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, हाँ, और देखा 12 बजे इतनी भीड़ मैंने कभी देखी नहीं लाइफ में। तो एकदम नया एक्सपीरियंस है यही एक रीजन है ना जिसकी वजह से मैं आता नहीं हूँ भाई। अगर यहाँ पे अगर 1 घंटा रह लिया ना तो पक जाएंगे, मतलब 1 घंटा 2 घंटा रहेगा तो भी पक जाएगा, चिकन क्या बोलते तंदूरी हो जाएगा। हाँ तंदूरी हो जाएगा।
शोएब की थोड़ा अच्छा पहचान है, इसके लिए 500 रुपए का एक टुकड़ा दे दिया उन्होंने। इसमें भी डाल, बट आई एम वेरी फीलिंग सैड फॉर शिवम यार। शिवम वेज है बट उसके लिए हम लोग ने कोक लिया है, तो कोक ले लेंगे। तो मोहम्मद अली का फूड रिव्यू बाय काशी। काशी क्या मस्त, बहुत सही है। ये मलाई टिक्का तो बहुत सही लगा, चिकन टिक्का तो भी है ही सही, मलाई टिक्का बहुत बहुत ज्यादा सही। ट्राई करना था ना, ये ट्राई किया मैंने बट एवरेज, मतलब उतना कुछ उसका वाव नहीं है। मेरा तो भाई देख के अच्छा लगा। तेरे को कैसा लगा? मेरे को खाली कोक अच्छा लगा यहाँ पे, बस पनीर भी नहीं भाई, क्या बोलो। हाँ अगर वेजिटेरियन हो तो मत आओ यहाँ पे। हाँ अगर भीड़ भीड़ देखना रहेगा 12 बजे रात को तो भी आ सकते हो। 12 बजे क्या लेने का? एक एक लेते भाई। भाई दो शिवम, खाने को कुछ नहीं तो पी ले मोहब्बत शरबत। पी के बता कैसा है? अच्छा है, स्वीट है, अच्छा लग रहा है। ओके 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 ओके। तेरा ठीक, तेरा क्या रिव्यू है? ठीक था, ठीक था, हाँ ठीक ठाक, मतलब ऐसा कुछ वाव नहीं है उसमें, तेरे जैसे वाव नहीं है। अब ये तुम लोग चारों खाने गरम गरम है। गरम है क्या? गरम है। उठा ये भाई, सच में गरम है भाई। खा के देखा, सही है ना? जबरदस्त रहता भाई, एकदम अलग ही फील देता है, अलग ही। कैसा है? पावर है। मैं हमेशा कह रहा हूँ यार, बुरहानपुर की मावा जलेबी है ना, काफी स्पेशल होती है और काफी सेटिस्फेक्शन दे देती है। मोहम्मद अली पर तो हम लोग का खाना हो गया, खाना तो हो गया। बहुत ज्यादा गर्मी थी तो ज्यादा कुछ हम लोग ने ज्यादा ट्राई वगैरह कुछ किया नहीं है। जैसा कि एज अ डिजाइनर आई नीड टू मेंटेन रिलेशनशिप। क्या लगाया बता, कौन सी लगा भाई? तो ये लिखा है प्रीवियस है भाई, प्रीवियस है। कैमरा को 50 रुपए का सही लग रहा है अभी का, तो ये लिया। ये आएगा 120 का आएगा भाई। क्या 11D है 10D है? ये नॉर्मल है 11D, 11D लगा दिया। डिलीट मोहम्मद अली का खाना खाने के बाद अभी हम आए हैं मनीष मार्केट में। मैं तुम लोग को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ ना आईफोन लेने के लिए, ले लो। मैं तो ले लूँ 11 ले लो, 11 सब आज से 5-6 साल बाद 11 ले लो, सबसे बेस्ट अच्छे लग रहे हैं। मेरा गोल है ये साल पहले ले लेगा ना IPL खत्म। समझ गया भाई, तू ड्रीम 11 पे बहुत कर रहा है। हाँ समझ गया, समझ गया भाई साहब, ड्रीम 11 पे कर रहे हैं। तो अभी हम लोग मोहम्मद अली की रश से निकल कर जा रहे हैं मरीन लाइंस। बट ऑब्वियस आप बॉम्बे आओ, अपने दोस्तों के साथ आओ और आप मरीन लाइंस ना जाओ तो बड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है। एक्चुअली है ये मरीन लाइन से बैठ के हम लोग सुबह तक यहाँ से निकलने वाले, लाइक आई मीन 3:34 के अराउंड हम घर जाने वाले। मेरी सहरी तो हो गई है ऑलमोस्ट। भाई शोएब तू और नहीं खाएगा? नहीं और नहीं खाऊंगा। तो पानी अभी लिए हम लोग, पानी अभी मैं ज्यादा पानी पीऊंगा क्योंकि पानी में थोड़ा इनटेक रहता है ना, हाइड्रेशन चलते रहता है। राइट नाउ वी आर एट आजाद मैदान, चलते हुए जाएंगे तो यार थोड़ी बातचीत वगैरह भी होगी, थोड़ा पुराने किस्से निकल रहे गड़े मुर्दे उखाड़ के थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा बैक पिचिंग करेंगे, थोड़ा बैक पिचिंग रोस्टिंग वगैरह सब जो नहीं है उनके बारे में स्पेशली बैक पिचिंग करेंगे। स्पेशली बैक पिचिंग करेंगे, उसमें टॉप में आता है अब है। मरीन लाइंस पे कुछ करने वाले नहीं है नहीं, वैसे सैटरडे नाइट है, मेरे को नहीं लगता भगाएगा सैटरडे नाइट को, थोड़ा चिल करने का रहता है। लोग मुझे देख रहे इतनी रात को मैं क्या कर रहा हूँ फ्लैश वैश चालू करके। भाई यही रियल स्ट्रगल है देखो भाई, कि आज का युद्ध क्या कर रहा है, आज का युद्ध देखो कहीं पे भी कैमरा लेके चालू हो जा रहा है। 2 मिनट में मैगी बन गई तो 2 मिनट में मैच खत्म। भाई मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया था मस्त एकदम फुल बुफे बुफे। भाई आरसी बैटिंग खत्म, एसएच बैटिंग खत्म, प्रेजेंटेशन, तब तक मैं ऑर्डर नहीं आया। तो 9 साल में लोग ने मतलब जो नॉस्टैल्जिया फील हुआ ना आज आरसीबी को देख के 68 पे आउट। आरसीबी कैसा वो बैक टू नॉर्मल लाइफ, ये कैसा वो मन से ना वाइब हो जाना कि एक दो मैच जीत गए। हां एक दो मैच जीत गए। ये बता रहा था इधर ये स्टेडियम था। हां वानखेड़े, ये लवलिया ब्रेको स्टेडियम। हाँ सॉरी वानखेड़े, मेरे को जो समझ में आ रहा मैं बोल दिया। तो अभी हम लोग रास्ते में चल रहे थे और आरसीबी का सब है ना जर्सी वगैरह पहन के बहुत लोग निकल रहे थे यहाँ पे। आई होप सो मरीन लाइंस पे काफी दुखी लोग बैठे रहेंगे वहाँ पे, आरसीबी वाले जा रहे थे ना सबका मुंह देखने लायक था यार। ठीक है लेकिन आरसीबी अच्छा खेल रही है टाइम फिर भी। नहीं मेरे को अच्छा लगा कि नॉर्मल लाइफ में कैसे नॉर्मल लाइफ में आ गए, पहले जो फॉर्म था बैक टू फॉर्म में आ गए। पहले आरसीबी का भी चेक करता था पॉइंट सेवन, तो नीचे से देख अभी कैसा ऊपर में थोड़ा। जैसे काशी अपना एग्जाम रिजल्ट चेक करता था नीचे से,
अच्छा, तो हम लोग गए ना यहाँ पर, पहुँच गए मरीन लाइन से, बट अभी इशू ये है कि 140 या 130 के बाद है ना पुलिस यहाँ पे बैठने नहीं दे रही है, फिर भी हम लोग आगे चलते हुए आए तो थोड़ा बैठने के लिए मिला यहाँ पर थोड़ा, मैंने दो हाँ। लेकिन अब ये बता कि तेरा मोहम्मद अली वाला एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब घोड़ा नहीं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा रश हुआ, खाना भी अच्छा था, कुछ कुछ चीज़ें थी जो मतलब ओवररेटेड थी, बट लेकिन जो फर्स्ट टाइम इसको एक्सपीरियंस करना है, मतलब वाइब चेक करने के लिए एक बार आ सकते हैं, वाइब चेक करने के लिए आ सकते हैं। खाने के बारे में बिल्कुल नहीं पूछूंगा क्योंकि तूने ऑलरेडी कुछ खाया नहीं है। मैंने सिर्फ स्वीट्स ट्राई किए, स्वीट्स वगैरह और थोड़ा जूस वेस वगैरह ट्राई किया, बट मोहम्मद अली का एक्सपीरियंस कैसा होता? बेसिकली मैं तुम लोग दोनों के लिए ही आया था यार यहाँ पे, पता नहीं अभी जैसे तूने बोला कि ओवररेटेड है वो तो पता नहीं, बट ओवरक्राउडेड तो भाई कैसा धक्का दुक्की हो रही थी एकदम, बस भाई बहुत ज्यादा। अरे यार एकदम भागम भाग, एकदम भागम भाग वाला सीन था, बहुत रश है। और मेरे को ऐसा लगता है लास्ट के जो 10 डेज होते हैं रमजान के उसमें ज्यादा रश और होने लगता है। अभी हम लोग कहाँ लेटे? बड़ी लाइंस पे लेटे हुए और ऊपर तारों को देख रहे, जो हवा चल रही है, सुबह की गर्मी, दिन की गर्मी, पूरे दिन की थकान यहाँ पे निकल रही है। तो शायरी ऐसा है कि कट कर देना मेरे। प्रिपेयर कर फिर बोलना तू। कल सुबह पनवेल निकलना है, जल्दी बोल। अरे शायरी याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई। तालाब में बैठ के हाथ धोए थे उसने, तालाब में बैठ के हाथ धोए थे उसने, पानी में मेहंदी की खुशबू आज के। ओहो भाई साहब, वाह वाह मेरे भाई वाह, सफल हो गया भाई मरीन लाइन आना। बहुत बात की है भाई आफ्टर सो लॉन्ग, इतनी सारी बातें हुई हमारी, सारी चीजें, लाइफ अपडेट्स एंड एवरीथिंग, बहुत एंजॉय किया। तो ना अभी मरीन लाइन से निकलते हैं, सीधा जाते हैं सीएसटी रोड, और हम लोग ने सीएसटी रोड बोल रहा हूँ, सीएसटी स्टेशन जाते हैं। और अभी हम लोग ने हमारी फर्स्ट ट्रेन तो मिस कर दी है, बिकॉज हम लोग बात करते करते इतना गुम हो गए थे, बातों में ही पता ही चला। तो राइट नाउ इट्स 5 in the morning और घर से काफ़ी कॉल आ रहा है। बोले बहुत आवारा हो गए बच्चे हमारे, घर से अभी हमारे कॉल आ रहा है, तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीएसटी स्टेशन, फिर गोना टेक आवर ट्रेन। हाँ मुझे एक्चुअली पानी पीना है, तो थोड़ा टाइम बचा हुआ है सैरी का, तो मैं पानी पी कर थोड़ा, इतनी बातें कर ली है तो मुझे प्यास लग रही थी, तो आई डोंट वांट कि मैं पूरा दिन प्यासा रहूं। तो अभी हम फटाफट जा रहे हैं स्टेशन पे, बिकॉज यहाँ पर हम लोग को कोई पानी वाला मिला नहीं, चाय वाले सब थे, मसाज वाले सब थे, लेकिन कोई पानी नहीं, पानी पिलाने वाला नहीं था। फटाफट जाते हैं, अभी मैं स्टेशन पर आपको मिलता हूँ। चलो भाई मिलते, फॉर्मेलिटी अच्छी लगती है भाई, चल बाय मिलते, पक्का घाट को पर ही है ना, तो इधर के देख लेता फिर चढ़ जाता हूँ, चल बाय, ऑल द बेस्ट, चल जो भी करेगा करते रहो, अस्तला विस्ता सिला भी बाय, सायोनारा मिलते जल्दी, चल चल बाय। हाँ तो भाई अभी मैं, हाँ पहले देखते हैं, आप मेट्रो तो खुला नहीं होगा, अभी जाते हैं यहाँ से रिक्शा पकड़ते हैं, तो रिक्शा तो पकड़ लिया, अभी सीधा फटाफट जाते हैं घर, मैं बहुत नींद में हूँ, मुझे नींद भी बहुत आ रही है। तो फाइनली आई एम होम, सुबह हो गई है, इट्स 6 in the morning, काफ़ी अच्छा लगा यार काशी और शिवम से मिलके, बहुत दिन के बाद मिले, आप लोगों को पता है यार जॉब वगैरह के चक्कर में मिलना नहीं होता है, एक जरिया था तो आज मिल लिए, काफ़ी अच्छी हैपनिंग बातें हुई, पुरानी यादें ताज़ा हुई, मज़ा तो आया। अभी मैं आ चुका हूँ घर और मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो। जल्दी मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।